तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेंट्स पजामे के लिए साइड पॉकेट कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में हम आपको पजामे में पॉकेट लगाना बताएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पर हम आपको पॉकेट लगाना बताएंगे। तो ये जेंट्स पजामा है दोस्तों, तो ये देखिए जैसे कि देख सकते हैं, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब ये फ्रंट पार्ट जो आगे वाले पार्ट होते हैं वो छोटे होते हैं और जो बैक वाले पार्ट होते हैं वो बड़े होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो फ्रंट पार्ट होते हैं उनको हम उठाएंगे। ये देखिए छोटे वाले जो पार्ट होते हैं फ्रंट पार्ट, जिस पर हमने पहले मार्किंग की होती है, उसको हम दोनों पार्ट को उठा लेते हैं इस तरीके से और बैक पार्ट को हटा लेते हैं। ये देखिए जैसा कि देख सकते हैं, इधर तो पहले ही मार्किंग की है, निशान लगे हुए हैं, तो हमें इस साइड में भी इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, यानी उल्टी साइड में निशान लगा लेने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने इधर मार्किंग कर ली है। दोस्तों, अगर आप इस पजामे की फुल कटिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी कटिंग का लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप जाकर इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। ठीक, हमने पॉकेट कितने इंच पर लगाना है, तो ये देखिए हमने 2 इंच यहाँ से यहाँ तक नेफे के लिए छोड़ना है, जो हम लास्टिक के लिए छोड़ते हैं ऊपर 2 इंच का। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये 2 इंच का निशान लगा के 2 इंच का ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद ये देखिए 2 इंच वाले से इंची टेप को रखेंगे तो हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 और 2 पॉइंट। उसके बाद ये देखिए फिर हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो ये देखिए नेफे वाले निशान से ये 1.25 इंच का ये हो गया और ये 2.5 इंच का। अगर देखा जाए तो ये 1.25 इंच का ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.25 इंच का निशान हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें एक निशान लगाना होगा तकरीबन 6 इंच का, नीचे वाले निशान से यहाँ से यहाँ तक हमको 6 इंच का निशान लगाना है। तो ये नॉर्मल साइज़ का पजामा है, थोड़ा छोटे साइज़ का है, तो मैं यहाँ पर 5.5 का लगा रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ से कट लगा लेनी है दोस्तों। तो हमने पहले ही कट लगाए हैं दोस्तों, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए हमने कट लगा लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, पॉकेट लगाएंगे। तो इसकी ये पॉकेट है, दोनों पॉकेट हमने कट किए हैं पहले ही, ये देखिए जैसा कि देख सकते हैं आप। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं किस साइज़ के लिए पॉकेट की चौड़ाई कितनी रखनी है, पॉकेट की लंबाई कितनी रखनी है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताया था, नॉर्मल साइज़ के लिए हम पॉकेट की लंबाई 13 या 13.5 इंच लंबी रखते हैं और चौड़ाई 6.5 या 7 इंच रखते हैं, जो नॉर्मल साइज़ के पजामे होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको एक पॉकेट ले लेना है, इस तरीके से ये देखिए यहीं रखा रहने देंगे। तो अब ये देखिए, अब ये फ्रंट पार्ट है दोस्तों, ये देखिए, अब ये देखिए ये आसन वाली साइड है, ये देखिए ये मोहरी वाली साइड है। अब हम मोहरी को इधर अपनी साइड में कर लेना है इस तरीके से, ध्यान से समझे इस वीडियो को। अब जो पॉकेट की जो गुलाई होती है ये वाली, तो ये भी आपको नीचे की ओर रखना है, मोहरी वाली साइड में रखना है इस तरीके से। इस तरीके से पॉकेट रख लेना है और पजामे को इस तरीके से रखेंगे उल्टा ही। जो ये जो नेफे का निशान है, यहाँ से यहाँ तक हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था, फिर 1.25 इंच का निशान लगाया था, फिर हमने 1.6 इंच का निशान लगाना होता है। तो हमें ये देखिए, जो नेफे के नीचे वाला पहला जो कुटका है 1.25 इंच वाला, यहाँ से पॉकेट को रख लेना है, इस वाले से निशान सिलाई लगाते हुए लाना है इस वाले तक यहाँ तक। ठीक है, देखिए ऊपर वाले कट से हमें पॉकेट को रखना है और नीचे, और ये नीचे वाले कट से हमें सिलाई लगानी है करीब 1 पैर अंदर की। वो जो हमने सिलाई लगाई है, सिलाई के बराबर से हम इस तरीके से कट लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सिलाई के बिल्कुल बराबर से फिर 1 कट ये लगाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए पॉकेट पलटकर सीधी साइड में को आ जाएगा। ये देखिए, अब ये पलटकर पॉकेट इधर के लिए आ गई, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस तरीके से दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए दोस्तों, ये पॉकेट का जो, ये देखिए पॉकेट वाला जो कपड़ा है, इस पर हम नाखून लगाएंगे और ये देखिए जो मार्जिन है, ये अंदर वाला जो मार्जिन है ये बाहर को रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से नाखून लगाएंगे और इसको हमें यहाँ से ये पॉकेट हो गया हमारा। अब हमें इधर से सिलाई लगानी है, पॉकेट को नीचे कर देना है, पैजामे के पल्ले पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सिलाई लगा ली है इसकी, जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए हमारा पॉकेट हो गया। तो अब ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हम यहाँ से ये वाला कपड़ा पॉकेट में मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ से और ये, तो ये वाली साइड जो है पॉकेट की, ये वाली, अब हमें इसको बंद करना होगा। तो आप इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मोड़ेंगे अंदर और यहाँ से एंड तक, इधर को यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। पर मुझे क्या करना है, इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों, ये देखिए मैं ऐसे पकड़ूंगा इस तरीके से यहाँ से, ये देखें
अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको यहाँ से इसको पलट देना है, इस तरीके से पॉकेट को कैंची की नोक की मदद से हमको ये सही कर लेना, सही से कोने की नोक निकाल देनी है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इस पॉकेट पर हम लपकी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनार की, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये पॉकेट पर ये बंद हो चुकी है नीचे वाली साइड। अब मैं आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगा एक बार, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों आप। अब हमें क्या करना होगा, तो हमें ये देखिए जो पॉकेट वाला कपड़ा है उसको पजामे वाले कपड़े से अटैच करेंगे और बाहर की ओर सिलाई लगाकर इसको हम सिलाई की मदद से रोकेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और ये पॉकेट के जो जो दोनों पल्ले हैं, सिरे हैं, इनको मिलाएंगे आपस में और पजामे के पल्ले को ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम सिलाई की मदद से इसको अटैच करेंगे और बाहर की ओर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, जब हम अब हम ये वाला जब हम फिट करेंगे तो ये देखिए उंगली की मदद से हम ये देखिए ये जो कपड़ा दिख रहा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा ढीला रखेंगे अंदर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाना है। तो देखिए दोस्तों, एक पॉकेट बनकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब दूसरी साइड में हम आपको पॉकेट बनाकर दिखाएंगे, तो कैसे बनाते हैं वो भी आप ध्यान से देखें दोस्तों। मैं पजामे के कपड़े पर जो मैंने मार्क किया था उसको हमें ऊपर ही रखना होता है, ठीक है। अब हम उस पिछली बार हमने क्या किया था, हमने ये मोहरी वाली साइड अपनी ओर रखी थी, ये देखिए इधर की ओर इस तरीके से, और अब ये बाहर की ओर जाएगी आगे की ओर इस तरीके से। ये देखिए निशान ऊपर आ चुका है हमारा ना, जो पॉकेट पर हमने जो नीचे गोलाई बनाई थी पॉकेट पर जो राउंड बनाया है वो भी मोहरी की ओर जाएगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये उल्टी साइड में पॉकेट नहीं रखना है, हमें सीधी साइड में रखना है, पलट कर ये उल्टी साइड में आ जाता है। वही फार्मूला होगा जो हमने पहला कट लगाया था, उसके बाद हमें पहले कट से पॉकेट को रख लेना इस तरीके से, ये देखिए जो पहला कट है हमारा यहाँ से। अब हमें नीचे सिलाई लगा कर लाना, जो हमने ये जो 6 इंच का लगाया था, तो इस जो हमने ये देखिए इस वाले कट सबसे लास्ट वाले कट लगाया था, लास्ट वाले से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है इस वाले कट से, ठीक है। फिर ये वाला कट जो है यहाँ तक नहीं लगानी है, इस वाले कट के तक लगानी है। ये देखिए जो हमने जो सिलाइयाँ लगाई थी, इन सिलाइयों से हमको कट लगा लेना इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से सिलाई के बिल्कुल बराबर से कट लगाना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल। और ये देखिए एक कट ये हो गया। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अब ये देखिए पॉकेट पलट कर हमारा ये उल्टी साइड में को आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। तो पॉकेट पर फिर से हमें नाखून लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पॉकेट के कपड़े पर किनार की सिलाई भी चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है उससे भी। हमने मार्जिन इधर की ओर कर दिया, जो नीचे का जो मार्जिन होता है ये हमने इधर कर दिया है बाहर की ओर पॉकेट की साइड में, और नाखून लगा लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से कपड़ा संभालेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, पजामे के कपड़े पर एक पैर की सिलाई लगा लेनी, जैसी पिछली पॉकेट पर लगाई थी हमने। चुका है आप, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमको पॉकेट को घुमा करके लाना है इस तरीके से, ये देखिए। तो ये पॉकेट घूम करके आ चुका है इस तरीके से, देख सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप कुर्ता पैजामे की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम ऐसे ही लेडीज़ और जेंट्स सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके लिए लाते रहे। देखिए इस को इस तरीके से घुमा कर ले आएंगे इस तरीके से, ये देखिए घुमा करके ले आएंगे हम यहाँ से। फिर हमें सिलाई लगा देनी है एक पैर की। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसको पलट लेना है इस तरीके से, और कैंची की नोक की मदद से हमें इस तरीके से, ये देखिए इसका। अब उसके बाद हमें यहाँ भी लब की सिलाई चला देनी है बिल्कुल किनार की, छोटी सिलाई चलाना है दोस्तों यहाँ बिल्कुल। ये पॉकेट वाले कपड़ा का, और ये देखिए इसको हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है आपस में, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो हमने पहला कट लगाया था, इस पहले कट से लेकर हमें थोड़ी बाहर की सिलाई चलानी है, ठीक है, अंदर को नहीं लगानी है। यहाँ से इसको रोक लेना है, तो इसको भी हमें अटैच करना है। ये देखिए ये कपड़ा जो होता है थोड़ा सा हमें ढीला रखना होता है, ये देखिए इस तरीके से।
आपको बिल्कुल इस कपड़ों को खींच करके नहीं रखना है, ठीक है। आपको इधर की ओर थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि जब हम बैक पल्ला अटैच करेंगे तो ये खींच करके पॉकेट साफ फिनिशिंग के साथ आए। अब हमें यहाँ भी थोड़ी किनार की सिलाई चलाती हूँ, इसको अटैच करके इसको अटैच कर देना है, रोक देना है कपड़ों को यहाँ से। तो ये देखिए, ये हमारी बैक पल्ले हैं दोनों। तो हमें क्या करना होगा, एक पल्ला हम नीचे वाला हटाएंगे यहाँ से इस तरीके से। तो अब इस फ्रंट पल्ले में पॉकेट वाले में हमें एक बैक पल्ले को अटैच कर देंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए, ये बैक वाला आसन है और ये फ्रंट वाला आसन है, ठीक है। तो अपने इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें एंड तक सिलाई लगाते हुए ले जाना है। तो दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, जब आप यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाएंगे, जब पॉकेट वाली जगह आएगी यहाँ पर, तो हमारी सिलाई इसके बराबर से आना चाहिए, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो ये आपको सिलाई लगाते टाइम खुद ही पता लग जाएगा आपकी सिलाई कहाँ चल रही है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें, और सिलाई बिल्कुल इसकी टांकी की पॉकेट के बराबर से निकलना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर चौक की मदद से निशान भी लगा सकते हैं, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए, नाखून की मदद से आप उंगली से पता लगा सकते हैं, और ये देखिए पॉकेट का जहाँ एंड होता है यहाँ भी आप चौक से निशान लगा सकते हैं। अब यहीं से सिलाई उतरनी चाहिए हमारी। अब ये देखिए, अब हमारी बैग ऊपर रखी है, अब ये पॉकेट वाला कपड़ा नीचे है, ठीक है। ये देखिए पॉकेट है हमारी। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर पॉकेट को थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा सा आप इधर के लिए कर सकते हैं, इस तरीके से हाथ से पकड़ करके भी कर सकते हैं आप। पॉकेट इसके अंदर दबना नहीं चाहिए। तो आप ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब हमें इसको अटैच कर देना है और नीचे तक हमें सिलाई लगाते हुए ले जाना है। आप मोहरी को चेक करके देख लेंगे एक बार, ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों, जैसा कि सिलाई लग चुकी है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लेना इस तरीके से। उस पर हमने फ्रंट को नीचे रखा था, बैक को ऊपर रखा था, ठीक है। अब ये देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमें बैक को नीचे रखना है इस तरीके से। अब हमें बैक पल्ले को नीचे रख लेना है, ये देखिए बैक वाला है और ये देखिए ये हमारा पॉकेट वाला पल्ला है। अब हमें इसको ऊपर रखना है, अभी देखिए पॉकेट हमारा ऊपर आ गया है, ठीक है। अब ये देखिए पॉकेट हमारा ऊपर है। अब हमें यहाँ भी वही सेम वही इसी तरीके से काम करना होगा जो हमारा पॉकेट है। तो पॉकेट के जो हम ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल बराबर से लगनी चाहिए, ताकि ये देखिए जैसा कि देख सकते हैं पॉकेट से हमें पता लग जाता है हमारा उठा हुआ कपड़ा है। तो यहीं से सिलाई आनी चाहिए इसकी। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इस पर इंटरलॉक ओवरलॉक कर लिया है इसके ऊपर, ये देखिए दोनों पल्लों पर हमने कर लिया है। अब क्या करना होगा, अब हमें ये देखिए ये बैक पल्ला दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है, तो इस पर हमें बिल्कुल किनारे की सिलाई, ठीक है। तो हमें बैक पल्ले पर सिलाई लगानी है, तो बैक साइड में ही हमें मार्जिन को मोड़ना है और बैक पल्ले पर ही हमें किनारे की सिलाई चलानी है। पर आपको ध्यान रखना होगा, जब आप यहाँ पर लब की किनार की सिलाई चलाते हुए लाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर आकर जो पॉकेट है यहाँ पर सिलाई को मोड़ के तो पक्के करेंगे, तीन चार टाँके यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। उस तरीके से फिर यहाँ सिलाई लेते हुए आएंगे, फिर यहाँ पर पॉकेट को ये देखिए यहाँ पर भी आप पक्का करेंगे इस तरीके से, फिर नीचे तक सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, एक साइड तैयार हो चुकी है, फ्रंट और बैक को हमने अटैच कर दिया है। जो हम लास्टिक के लिए मोड़ेंगे या नाड़ा डालने के लिए मोड़ेंगे, तो ये देखिए पॉकेट ये वाली साइड जो है ये पॉकेट में इस तरीके से ये देखिए अंडरग्राउंड हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ही पक्का हो चुका है और यहाँ से भी ये फोल्ड हो जाएगा, पॉकेट इसके नीचे दब जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे पल्ले पर आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। तो बस आपको इसी का ख्याल रखना है, आपको बैक पल्ले पर सिलाई लगानी, क्योंकि देखिए बैक पल्ला बड़ा होता है तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो अब दूसरे पल्ले पर हमें नीचे सिलाई लगाते हुए लाना है, ठीक है। जब हम पॉकेट पर आएंगे तो वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर आकर हमें टांकी बांधनी है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नीचे सिलाई शुरू कर देनी है दोस्तों यहाँ भी। अब हमें दूसरे वाला पॉकेट आ गया, इस पर भी हमें यहाँ पर टांकी बांध देनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस पजामे की फुल स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या कुर्ते की फुल सिलाई अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोनों पॉकेट लग चुके हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।